गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे हो के। सो फ्रेंड्स, आज मैं कर रही हूँ अपना ड्रेसिंग टेबल साफ। ड्रेसिंग टेबल के साथ अपना रूम भी साफ कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं ड्रेसिंग टेबल में सामान लगा रही हूँ, जो मैंने पोंछ पोंछ के सारा, और ड्रेसिंग टेबल भी मैंने साफ कर दी है। तो इसमें सामान लगाना बाकी है। तो ये मेरे सारे ऑयल रख रही हूँ, और ये ऊपर सारी क्रीम रखती हूँ। और जो भी बहुत इतनी बड़ी ड्रेसिंग टेबल है, फिर भी इसमें सामान नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं सारे कामों से फ्री होगी, तो सोचा क्यों ना अब मैं अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लूँ, क्योंकि दिवाली भी आ रही है। खैर, दिवाली तक तो एक बार और सफाई हो जाएगी। क्या है, बच्चे अच्छे, मतलब डुग्गू खेलता है, बच्चा तो एक ही है मेरा, बट बच्चे हो जाता है। एक डुग्गू है, वही इतना उधम करता है कि पूरे घर में कबाड़ा करके रख देता है, और वो मेरे ड्रेसिंग टेबल को छोड़ता ही नहीं है। हर दिन उसी में लगा रहता है, कभी बिंदी, कभी लिपस्टिक, ये सब, मम्मी ये लगाओ, वो लगाओ। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी पसंद का मेकअप करो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते आधा मेरा ड्रेसिंग टेबल में सामान लग चुका है। और फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो हो चाहते हो। और प्लीज़, चैनल बनाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और लाइक सब्सक्राइबर नहीं करते हो। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हो, तो एक लाइक तो बनता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आगे भी प्लीज़ सपोर्ट करना। और फ्रेंड्स, तो ये बॉश डाल रही हूँ, और ये डुग्गू भी मुझे भी परेशान कर रहा है। बार बार मम्मी मम्मी बोलता है कि वीडियो मत बनाओ, मम्मी क्यों बनाते हो आप वीडियो। तो इसको कौन समझाए बच्चों को, और बच्चों को ना टाइम दो, यही बोलता है कि आप मुझे टाइम नहीं देती हो और वीडियो बनाती रहती हो। तो उसका कहने का मतलब है कि मैं उसको टाइम दूँ। तो सारी लेट से सुन लो, अपने अपने बच्चों को टाइम दो, और वीडियो के चक्कर में मत रहो। वीडियो भी बनाओ, लेकिन वो घर पे नहीं, जब स्कूल ट्यूशन बाहर रहते हो जब वीडियो बनाओ, क्योंकि अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो बेचारे वो भी गुस्सा हो जाएंगे, और उनको माँ बाप का प्यार कैसे मिलेगा। तो वो भी चाहते हैं कि हमारा प्यार कम ना हो, तो इसीलिए डुग्गू मना कर रहा था, मम्मी वीडियो मत बनाओ, आप वीडियो में लगी रहती हो तो मुझे आप टाइम नहीं देते हो, है ना डुग्गू। हाँ, तो डुग्गू फिलहाल अभी मेरे ही बैठा है। तो फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मेरा ड्रेसिंग टेबल में पूरा सामान लग चुका है, और ये मेरा सीट था चेयर, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदा, और डुग्गू तो इसको सारे दिन खींचता है, को खींच के कभी अलमारियों पे, कभी कहीं ड्रेसिंग टेबल पे चढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा हुआ ड्रेसिंग टेबल कंप्लीट, और मैंने इसमें पेपर भी लगा दिया है, क्योंकि जो तेल रखते हैं ना, नारियल ऑयल, तो फिलहाल कोई भी ऑयल हो वो रख देते हैं, तो ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने पेपर भी लगा दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो बताना कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड, देख लीजिएगा, मैंने मेरा ड्रेसिंग टेबल साफ हो गया एकदम साफ, और क्या बोलते हैं, ये मैंने पेपर बिछा दिया था एक्स्ट्रा में, क्योंकि ये नारियल का ऑयल, कोई भी ऑयल रख दो तो ये ड्रेसिंग टेबल खराब हो जाता है इसलिए। और ये देखिए, मैंने अलमारी साफ करके, मतलब जो पहले पेपर थे वो मैंने हटा दिए, और ये दूसरे बिछा दिए, क्योंकि अलमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, डस्ट हो जाता है उसमें, और गंदी भी हो गई है। तो ये मेरा अंदर रह गया है छोटा सा, मतलब वैसे ही स्टोर रूम है जिसमें मैं कपड़े खड़ी करना है। और ये सोफे मैंने इधर लगा दिए, पहले इधर साइड में लगे थे। तो ये देखिए, सारे सोफे के निशान पड़ गए हैं, और ये बहुत ज्यादा दुबू सोफे पे क्या चढ़ता रहता, बैठा रहता, तो ये सारे दागों पे लगा दिए, तो इसलिए मैंने उधर लगा दिया। तो मैं अपना रूम आप लोगों को दिखाती हूँ।